हेलो एवरीवन, हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम टू द चैनल ऑफ अन एकेडमी. अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. इफ यू वांट टू क्रैक योर एग्जाम, अगर आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अगर आप अपने एग्जाम्स में टॉप करना चाहते हैं, एस योर स्कूल एग्जाम्स विद अन एकेडमी. जॉइन अन एकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन and you will get flat 10% discount after applying my code, that is NB01. So NB01 is my code and you will get 10% discount after applying my code. Sorry. Welcome to my class everyone. I am your science educator. My name is Neha Bansal. I have done BSc, B.Ed, NTT, PTT and have 6 years of experience. And I have mentored more than 4,000 students. So today we are going to discuss our new chapter, that is light, shadows and reflection. Okay, so light kya hoti hai, shadow kya hoti hai aur reflection kya hoti hai, in teenon cheezon ke bare mein aaj hum detail mein discuss karenge, right? So content aaj is topic pe, aaj is class mein hum kya kya topics cover karne wale hai, that is introduction, transparent, opaque and translucent objects, shadows, a pinhole camera, mirrors and रिफ्लेक्शंस. इन सभी टॉपिक्स को आज हम इसमें इस सेशन में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट जो है बेटा एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है. इट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स. जहां से लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ के हमारे तक आती है तो वो हमें इनेबल करती है, वो हमें हेल्प करती है लाइट कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख सके. आप अगर लाइट होगी बेटा तभी किसी ऑब्जेक्ट को देख पाओगे ना, क्योंकि लाइट उससे रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज पे आती है, ठीक है. सो वी डिटेक्ट लाइट विद आवर आईज. और हम आई अपने जो लाइट है उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, अपनी आंखों से. जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ के, ठीक है, हमारी आंखों पे आती है तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए विजिबल हो पाती है, तभी हो पाती है जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है, लाइट की रिफ्लेक्शन आती है, ठीक है. इसे हम डिटेल में अभी पूरा समझेंगे, राइट. सोर्सेज ऑफ लाइट. लाइट के क्या क्या सोर्सेज होते हैं. नेचुरल सोर्स तो आपको पता ही है बेटा, सन. सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. तो एन ऑब्जेक्ट विच गिव्स अस लाइट. जो भी ऑब्जेक्ट रोशनी देती है, रोशनी देती है, इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट. वो क्या कहलाता है, लाइट का सोर्स कहलाता है. जैसे सन, स्टार्स, ये दोनों क्या है, नेचुरल सोर्स है लाइट के. और ये क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, केरोसिन ऑयल, लैम्प, कैंडल टॉर्च एटसेट्रा, ये है मैन मेड, राइट. नेचुरल सोर्सेस क्या है, सन और स्टार्स, जो हमें हमेशा लाइट देते हैं. नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट, अभी मैंने आपको जैसे बताया था. सो दो सोर्सेज ऑफ लाइट विच अकर इन नेचर आज As such are called natural sources of light. जो नेचर में होते हैं, जैसे वो हैं वैसे ही रहते हैं, that is natural sources of light. Okay? Sun, stars, ये आपको पता ही है. Sun, stars, ये natural source है, ये जैसे है वैसे ही रहते हैं. Sun की रोशनी, sun जैसा है वो वैसे ही रहता है, ठीक है. ये नहीं कि अगर वो light हमें दे रहा है तो वो melt होता जा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं. और stars भी जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं. Okay? So those sources of light which have been made by man are called man-made sources. ये तो बहुत simple है बेटा. जो man, जो human beings ने बनाए हैं, जो sources of light that are man-made. आपके आसपास, आपके घर के surroundings में भी ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे ट्यूब लाइट बल्ब, CFL bulbs जो आते हैं, 0 watt जो बल्ब आता है, that is night bulb, जो हम रात को जलाते हैं, ठीक है. लैम्प, आपके घर में पूजा अगर मम्मी करती है जैसे, तो वो दिया जलाते हैं, ठीक है. कैंडल हम जलाते हैं जैसे लाइट चली जाती है. फोन के आपके टॉर्च, दूसरी वाली टॉर्च जो बैटरी ऑपरेटेड होती है, ठीक है. सो दीज ऑल आर मैन मेड सोर्सेस ऑफ, ओके. इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, ऑयल लैम्प, ओके, कैंडल, टॉर्च, दीज आर ऑल मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट, ओके. होप यू आर लाइकिंग दीज जिफ्स, GIF objects, जो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ताकि आप और अच्छे से चीजों को समझ सके, राइट. एन ऑब्जेक्ट विच गिव्स आउट इट्स ओन लाइट.
जो ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट देता है दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बिकॉज द लाइट गिवन आउट इट बाय इट एंटर्स आवर आई. हम उन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख सकते हैं, क्योंकि उनसे जो लाइट निकल रही है उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. ठीक है, बर्निंग कैंडल, सन, स्टार्स, लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, लाइटेड टॉर्च, दीज ऑल आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट निकलती है. ठीक है, चाहे वो मैनमेड हो चाहे वो नेचुरल सोर्स हो, बट जो भी चीज जलती है उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बेटा सिंपल है, जो चीज नहीं जलती है. ठीक है, जिसमें से लाइट नहीं निकलती है. एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट गिव आउट इट्स ओन लाइट, जिसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो वी कैन सी दीज ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट इन टू आर आई. जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ेगी, चाहे वो किसी भी सोर्स से पड़ रही हो. अब बेटा अगर आप रूम के अंदर हो, जैसे अब मैं इस रूम के अंदर हूँ, तो इस रूम के अंदर सनलाइट नहीं आ रही है, या रात है तो रात के टाइम पे सनलाइट हमें नहीं मिलती है, तभी भी हमें अपने आसपास के ऑब्जेक्ट दिखाई देती है. वो क्यों दिखाई देती है? जैसे ट्यूबलाइट्स है, तो ट्यूबलाइट की जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, वो ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों पे आती है. ठीक है, तब वो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. तो वी कैन सी द मून बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट इन टू आर आईज. मून को हम कैसे देख सकते हैं? सन की जो लाइट है वो मून पे आती है, सन की लाइट मून पे आती है, और मून की लाइट हमारी आईज पे आती है. ठीक है, तभी हम उस मून को देख सकते हैं. ठीक है, तो मून क्या है? ऑब्जेक्ट. क्योंकि मून आपको पता है उसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, राइट? तो जैसे इसमें सनलाइट जो है वो इस फ्लावर पे पड़ रही है, तो हम इस फ्लावर को कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि सनलाइट इस फ्लावर पे पड़ रही है और फ्लावर से रिफ्लेक्ट होके लाइट हमारी आईज में जा रही है. ठीक है, तब हम उस फ्लावर को देख पा रहे हैं. ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है बेटा? जिनके आर पार हम देख सकते हैं. ठीक है, जैसे मेरे स्पेक्स के ग्लासेस हैं, इसके आर पार मैं देख सकती हूँ और आप भी मेरी आईज देख पा रहे हो इनमें से. ठीक है, इनके पीछे है मेरी आईज, तो आप भी देख पा रहे हो ना. सो दैट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिसके आर पार हम देख सकते हैं. जैसे ग्लास, पॉलिथिन, आपके घर में पॉलिथिन होगा, देखना उसे ऐसे करके, उसके आर पार आप नजर देख सकते हो. ठीक है, एयर, चारों तरफ एयर होती है हमें पता ही है, तो हम एयर के आर पार देख सकते हैं. वाटर, पानी के भी हम आर पार देख सकते हैं. ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल आप लोगे ना बेटा, उससे आप आर पार उसके देख पाओगे. ठीक है, तो दोज मटेरियल्स विच अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम. और हम कैसे देख पाते हैं उनके आर पार? आर पार मतलब चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो, उसके पीछे क्या चीज है और उसके सामने क्या चीज है, हम उसमें से देख सकते हैं. वो कैसे? क्योंकि सारी लाइट जो है, लाइट उनसे रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आ रही है, सारी लाइट उनमें से पास कर जाती है दूसरी तरफ, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, लाइक ग्लासेस. ओके, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा? दोज मटेरियल्स विच अलाउ ओनली सम लाइट टू पास थ्रू देम. वो मटेरियल्स जो अपने अंदर से कुछ ही लाइट अपने आसपास से पास करने देते हैं, ठीक है, वो होते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. जिनके आर पार अगर हम देखेंगे, उसके बीच में से अगर हम देखेंगे, तो हमें धुंधला नजर आएगा, क्लियर नहीं नजर आएगा. जैसे बटर पेपर, ऑयल्ड पेपर, अगर किसी पेपर के ऊपर ऑयल लग जाएगा ना बेटा, तो आप उसमें से ऐसे देखोगे ना, तो आपको ट्रांसलूसेंट नजर आएगा, बिल्कुल क्लियर नहीं देखेगा. टिश्यू पेपर, क्लाउड्स, मडी वाटर, जैसे ये मडी, ये विदाउट मडी वाटर है, इसके आर पार हम देख सकते हैं, दिस इज मडी वाटर, इसके आर पार हम ट्रांसलूसेंट, धुंधला दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा. ओके, ओपेक मटेरियल, ना ही ट्रांसपेरेंट ना ही ट्रांसल्यूसेंट, दैट इज ओपेक. ओपेक का मतलब उसके आर पार हम देख ही नहीं सकते. ठीक है, क्यों? क्योंकि सारी लाइट जो है ना वो उन्हीं के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती. दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम, ना ही अपने अंदर से पूरी लाइट पास होने देते हैं, ना ही थोड़ी होने देते हैं, बिल्कुल भी नहीं होने देते हैं, सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, सो कार्डबोर्ड, बुक, वुडन डोर, मेटल शीट,
स्टोन वॉल एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके आसपास भी जो ओपेक है, जैसे लैपटॉप है, इसके पीछे क्या रखा है मुझे नहीं पता, ठीक है, फोन आपके हाथ में होता है, फोन के पीछे देख सकते हो क्या रखा है, नहीं पता, वॉल है, बुक है, ये ऐसी बहुत सारी हमारे सराउंडिंग्स में ही होती है इतनी सारी ओपेक मटेरियल्स, ठीक है। वुड, जैसे टेबल है, अब इस टेबल के नीचे क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है, झुक के देखना पड़ेगा, ऐसे टेबल के अंदर से झांक के नहीं देख सकती हूँ, ठीक है। तो कार्डबोर्ड वॉल, राइट। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करिए, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होके आते हैं, नहीं, ठीक है। सो द फॉर्मेशन ऑफ शैडो बाय अ सोर्स ऑफ लाइट ऑल्सो सजेस्ट दैट द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। शैडो जो फॉर्म होती है ना बेटा, वो भी सजेस्ट ही हमें यही करती है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, सीधी ट्रेवल करती है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट जो लाइट जा रही है, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, सो लाइट रीचेस द आई, जैसे लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है, तो वो आंख पे वापस आ रही है, सो पर्सन इज एबल टू सी द लाइट ऑफ अ कैंडल। तो ये लाइट जो है वो इससे जो लाइट निकल रही है वो सीधी उसके आंखों तक पहुंच रही है, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर ऐसे होगा, लाइट ऐसे आएगी ट्रैवल करके ऐसे फिर ऐसे और हमारे आंखों तक पहुंचेगी, तो क्या होगा, पर्सन इज नॉट एबल टू सी द लाइट ऑफ द कैंडल। जो पर्सन है वो उस कैंडल की लाइट को नहीं देख पाएगा, क्यों, क्योंकि जब वो लाइट यहाँ से आंखों से यहाँ से यहाँ गई तो वो ब्लॉक हो गई इस एरिया। द पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा क्या होता है बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ अ क्लोज्ड बॉक्स हैविंग अ स्मॉल पिन होल इन फ्रंट एंड ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन एट द बैक। स्मॉल पिन होल होता है फ्रंट में, और बैक में क्या होती है, ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन होती है जिसके आर पार हम धुंधला देख सकते हैं। तो दिस ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन इज मेड ऑफ बटर पेपर, अभी हमने देखा था कि बटर पेपर इज एन ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। So it acts as a screen to receive the image, और वो स्क्रीन पे इमेज लाने का काम करता है वो बटर पेपर, ठीक है। तो इधर से आप देख सकते हो बेटा, ऊपर से जो लाइट आई वो इधर से पास हुई यहाँ पे, और नीचे से भी जो लाइट पास होके गई इस पिन होल से पास होके हो गई यहाँ पे, और इसकी जो इन्वर्टेड इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, ओके, पिन होल कैमरा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं बेटा पिन होल कैमरा की। द इमेज इन अ पिन होल कैमरा इज इन्वर्टेड एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। अगर ये ऐसे है तो पिन होल कैमरा में, अगर मेरी फिंगर ऐसे है तो पिन होल कैमरा में वो इन्वर्टेड आएगी, ठीक है। हाथ अगर मेरा ऐसे है तो वो ऐसे आएगा, राइट। तो द इमेज इन अ पिन होल कैमरा इज रियल, जो पिन होल कैमरा में जो इमेज होती है वो रियल होती है, एक्चुअल में जैसा मेरा हाथ है वो वैसा ही आएगा वहां पे। तो द इमेज इन अ पिन होल कैमरा इज ऑफ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट, कलर भी सेम आता है, चेंज नहीं होता है। तो द इमेज इन अ पिन होल कैमरा कैन बी स्मॉलर, हो सकता है कभी कभी वो थोड़ी सी छोटी हो, देन द ऑब्जेक्ट इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, कभी हो सकता है बिल्कुल बराबर भी हो, और बिगर, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, हो सकता है कि शायद कभी कभी वो बड़ी भी ऑब्जेक्ट आए, ठीक है। सो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिन होल कैमरा। शैडो क्या होता है बेटा, वेन एन ऑब्जेक्ट, एक्सक्यूज मी, वेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट, जैसे आप देख सकते हो ये लाइट आ रही है, इस लाइट के आगे हाथ रख दिया उसने, तो हाथ का क्या होगा, उस सोर्स ऑफ लाइट के आगे, जैसे टॉर्च है इधर पीछे, ये टॉर्च है मान लो पेन, इसके आगे हाथ रख दिया तो पीछे इसकी शैडो बन जाएगी, ठीक है। तो इट प्रोड्यूसेस अ शेड बिहाइंड इट, उसकी शेड देता है उस हाथ की शैडो। तो द शेड कास्ट बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स शैडो, वो उसकी परछाई होती है, ठीक है। तो शैडोज आर फॉर्म When light is stopped by an object, जैसे बेटा ये लाइट डायरेक्ट जा रही थी, अगर मान लो ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है मान लो, तो इस वॉल पे ये लाइट जो है वो डायरेक्ट जा रही थी, बट बीच में क्या किया, वो हाथ लगा दिया, ठीक है, तो उससे क्या किया, वो लाइट जो है डायरेक्ट जा रही थी उसको रोक दिया उस हाथ से, ठीक है।
तो शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. अगर लाइट इधर है तो उसके अपोजिट साइड, दूसरी साइड पे शेडो जो हमेशा फॉर्म होती है. ठीक है, सो द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ओनली विजिबल ऑन अ स्क्रीन. हमेशा शेडो ऐसे हवा में नहीं दिखेगी बेटा, किसी चीज पे ही दिखेगी. अगर हमें फ्लोर पे दिखती है, जैसे हम चल रहे हैं तो हमें हमारी शेडो दिखती है, हाथ की शेडो दिखती है वॉल पे, ठीक है, तो वो किसी ना किसी स्क्रीन पे ही इमेज बनेगी, वैसे नहीं बनती, हवा में नहीं होती है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो, द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट, राइट, द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रियल, रियल होती है वो. ठीक है, हमारा हाथ जैसी होगा वो वैसे ही होएगा. द शेडो इज ऑलवेज ब्लैक, शेडो हमेशा ब्लैक होती है, कोई भी अलग अलग कलर्स की नहीं होती है. जिन कलर के कपड़े पहने ऐसा नहीं है आपकी शेडो भी उसी कलर की होगी, नहीं, शेडो इज ऑलवेज ब्लैक. सो द शेडो कैन बी स्मॉलर, छोटी हो सकती है देन द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट और बिगर देन द ऑब्जेक्ट. छोटी हो सकती है, हो सकता है कभी कभी इक्वल भी हो या कभी कभी बिगर भी हो. अगर आप चलते हैं, आपने देखा आपकी शेडो बड़ी होती जाती है, लंबी हो जाती है ना, कभी कभी छोटी हो जाती है, कभी कभी इक्वल भी रहती है. ठीक है, नोटिस करना कभी. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेस, लाइट रेस को वापस भेजने का प्रोसेस. Which fall on the surface of an object. Object के surface पे जो light आ रही है उसको वापस reflect करना is called the reflection of light. जैसे ये torch से ये इस surface पे light आ रही है और ये reflect हुई है eyes तक, तब हम उस इस object को देख पा रहे हैं. ठीक है, so the objects having polished, जो polish वाली चीजें होती है, shining वाली चीजें होती है, उनमें से light ज्यादा reflect होती है. ठीक है, रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन द ऑब्जेक्ट्स हैविंग अनपॉलिश्ड और डल सर्फेसेस. डल सर्फेसेस जो चमक नहीं होती है, जैसे वुड होता है, इनमें चमक नहीं होती है, ये प्लास्टिक है, इतनी ज्यादा शाइन नहीं होती है, तो उनमें और दूसरी चीजों में वो जो है लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स में शाइन ज्यादा होती है. ठीक है, तो अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ रे. जो नैरो बीम होती है ना, जो पतली लाइन आती है लाइट की, उसे हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं. तो द लाइट हिटिंग द मिरर इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे. जो मिरर पे हिट करती है लाइट, दैट इज इंसिडेंट रे. ओके, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे. ऑब्जेक्ट से टकरा के जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आंख में जाती है, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट नजर आती है, तो दैट इज reflected ray. Okay, an object which reflects light well is called a mirror. Mirror क्या होता है बेटा, शीशा, जैसे आपके घरों में भी होता है, तो जो light को बहुत अच्छे से reflect करता है, that is mirror. So a plain mirror is a thin, एक पतला flat और smooth sheet होती है glass की, एक plain mirror की, having a shiny coating of silver metal on one side. बेटा back side पे ना shiny coating होती है silver metal की. Okay? So the reflection of light in a plain mirror takes place at the silvered surface inside it. So back side में उसकी silver surface लगा होता है ना, उस पे वो image form होती है, तब हमें वो image जो है वो mirror पे है. जैसे ये mirror है, इसके पीछे की side पे ना silver मेटल की कोटिंग होती है. ठीक है, तो वो पीछे की साइड पे होती है मिरर की, इसीलिए इमेज फॉर्म होती है मिरर पे और हम उस इमेज को देख पाते हैं. यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा प्लेन मिरर के, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल. ये वर्चुअल इमेज होती है. द इमेज फॉर्म्ड इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर. ना हम मिरर से दूर खड़े हैं उतना ही मिरर के अंदर, उतनी ही दूरी पे वो इमेज बनती है. तो एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, द इमेज इज वन ऑफ द सेम साइज की इमेज होती है एज द ऑब्जेक्ट. इट इज नीदर एनलार्ज्ड नॉर डिमिनिश्ड. हम शीशे में अपने आप को देखते हैं तो जैसे हम हैं वैसे ही दिखते हैं ना बेटा, ये नहीं बड़े नहीं छोटे. ऐसा थोड़ी ना है कि आपकी हाइट 5 feet है और आप दिखने लग जाओ 5'7", ऐसा थोड़ी ना होता है ना. So the image is erect. It is same side up as the object. जैसे object है वैसे ही रहती है image, जो है वो erect होती है, यानी कि inverted image बनती है, नहीं उल्टी image नहीं बनती है, erect image बनती है.
So the image is laterally inverted with respect to the object. Laterally inverted मतलब बेटा जैसे अगर ये पेन मेरे राइट हैंड में है और लेफ्ट हैंड में कुछ नहीं है तो आपको अपनी इमेज जो मिरर में दिखेगी वो ऐसा लगेगा कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो है वो लेफ्ट की साइड हो गया, ये वाला हैंड जो है ना जो मेरा पेन पकड़ा हुआ है वो मिरर में मुझे लेफ्ट साइड में दिखे, लिटरली इनवर्टेड इमेज दिखती है। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के क्या क्या यूजेस होते हैं, प्लेन मिरर आर यूज्ड एट होम, आपको बताइए, टू व्यू आवरसेल्फ, हमें खुद को देखने के लिए प्लेन मिरर्स घरों में यूज होते हैं। दे आर यूज्ड इन मेकिंग पेरीस्कोप्स, पेरीस्कोप्स बेटा कुछ इस टाइप का होता है, दिस इज पेरीस्कोप, और ये किस चीज में काम आता है, ये ऐसे ऊंचा सा डंडा होता है उसके ऊपर आगे ये मिरर लगा देते हैं ताकि जो वॉल के पीछे जो चीजें हैं वो हमें दिख सके। ये ज्यादातर सबमरीन्स के ऊपर लगा होता है ताकि ऊपर की चीजें नजर आ सके, ठीक है, दूर दूर की भी। ओके, दे आर फिक्स्ड ऑन द वॉल्स ऑफ सर्टेन शॉप्स टू मेक द शॉप्स लुक बिगर, आपने कभी शोरूम्स में देखा होगा है, जैसे ज्वेलरी शोरूम्स होते हैं तो उनके चारों तरफ बेटा शीशे लगे होते हैं ताकि उनकी शॉप जो है वो बहुत बड़ी नजर आए, उसमें चारों तरफ इमेजेस आती हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स के बारे में जान लेते हैं बेटा, लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अपने घर के कंफर्ट में आराम से बैठ के, कोविड सिचुएशन है इसलिए आप बाहर भी नहीं जा सकते और जाना भी नहीं चाहिए, आप सारी क्लासेस अपने कंफर्ट जोन में रह के अटेंड कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, एक बार सब्सक्रिप्शन लीजिए बेटा, सारे कोर्सेज का आपको एक्सेस मिल जाता है, सारे सब्जेक्ट्स का, किसी भी एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं, टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं आपके, एग्जॉस्टिव कवरेज होता है, पूरा सिलेबस कवर किया जाता है, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड की जाती है, स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होता है, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है, बैच कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। ओके, अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग क्या है बेटा, 3 month, 6 month, 12, 15, 18, 24, 36, 48, एंड दीज आर बिफोर अप्लाइंग माई कोड एंड आफ्टर अप्लाइंग माई कोड, दैट इज NB01 इज माई कोड, दिस इज द डिस्काउंटेड अमाउंट, यू विल गेट इंस्टेंट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ओके, जैसे ही आप मेरा कोड NB01 अप्लाई करते हो, राइट। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या है बेटा, प्लस के तो सारे बेनिफिट्स मिलते ही हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के तो, बट आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, जैसे आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किया जाता है, 1 teacher 1 student, लाइव डाउट सॉल्विंग होते हैं, आप लाइव क्लास में अपने सारे ही डाउट्स टीचर से पूछ के रेज अ हैंड फीचर के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ओके, वीकली रिपोर्ट्स आपकी रेडी की जाती है, पेरेंट्स के साथ आपका करेक्शन होता है हमारा ताकि पेरेंट्स आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जान सके, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के सारे ही बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग देख लेते हैं बेटा, 3, 6, 12, 15, 18, 24, 36, 48 मंथ्स की ये है, बिफोर अप्लाइंग माई कोड एंड आफ्टर अप्लाइंग माई कोड दैट इज NB01 यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ओके, एंड दिस इज द डिस्काउंटेड प्राइसिंग। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का पार्ट बन सके, एंड बेल आइकन पे क्लिक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सो लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। Bye-bye everyone. Bye, Bacha Party. Take care. Bye.